दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर जो VLOOKUP फंक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस हम उसे कैसे ऑटोमेट करेंगे हमारे डेली रूटीन काम को जैसे कि अभी आपको पता है हम VLOOKUP प्रेस करके यहाँ पे ये कुछ VLOOKUP का फंक्शन है दोस्तों 3 एंड देन यहाँ पे 0 दे रहा हूँ मैं, ये कुछ VLOOKUP मेरा इस तरह से आ रहा है। बट एज यू नो कि हम अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें ये डेली रूटीन VLOOKUP यूज़ करना पड़ता है, करेक्ट। तो इसे मिटिगेट करने के लिए गैप को हम क्या करेंगे, एक मैक्रो बनाएंगे जिससे एट वन क्लिक आपका ऑटोमेटिकली VLOOKUP लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पहले डिजिट ले लेता हूँ, ये क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आपको ये डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं बटन आपको पता है, राइट। अगर आपको नहीं पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बिलो, तो मैं आपको उसके लिए एक नया वीडियो बना दूँ, राइट। शुरू करते हैं मैक्रोज में दोस्तों। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा विजुअल बेसिक्स मैक्रोज एंड देन रिकॉर्ड एंड यूज रिलेटिव रेफरेंस। दोस्तों यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फंक्शन है, जैसे कि अगर मैं कुछ मैक्रोज यहाँ पे रन करता हूँ, रन करने के बाद में सपोज मैं डिजिट फिक्स है मेरा यहाँ पे, करेक्ट, ये जो पर्टिकुलर टेबल है, ये पर्टिकुलर टेबल रेफरेंस यहाँ पे ले रहा है, तो मुझे वैल्यू वहीं पे शो करेगा अगर मेरा ये ऑप्शन ऑफ होगा। बट जब मैं ऑप्शन ऑन करूँगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है अभी ये ऑफ है, जैसे मैं इसे ऑन करूँगा ये कुछ मुझे इस तरह से दिखेगा, ऑन करूँगा तब मुझे जहाँ कहीं पे भी ये पर्टिकुलर नंबर्स एडेड हो, करेक्ट, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी VLOOKUP मार सकता हूँ, ठीक है। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो इसलिए आपको ये ऑप्शन ऑन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करो एंड देन जस्ट गिव द नेम फॉर द मैक्रो, टीपी मैं दे रहा हूँ, राइट। अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप शॉर्टकट की भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मैं नहीं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। स्टोर इन मैक्रो इन, आई वुड रिकमेंड पर्सनल मैक्रो बुक करो, ठीक है। एंड देन मैक्रो जो आपका हो उसके रिगार्डिंग कुछ आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, पोस्ट दैट, ओके पे क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपका बटन ऑन हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है। तो यहाँ पे आप जहाँ कहीं पे भी क्लिक करोगे एक्सेल के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा मैक्रोस के अंदर, ठीक है। तो मैं इज इक्वल टू VLOOKUP पे क्लिक कर रहा हूँ, पुश दैट, विल क्लिक ओवर हियर, लुकअप वैल्यू, ये लुकअप करना है मुझे, कहाँ से लुकअप करना है, तो दिस इज द टेबल। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको वो पर्टिकुलर टेबल को फ्रीज करना होगा, अदरवाइज आपका जो रेंज होगा कहीं और पे चला जाएगा, राइट। तो मैं फंक्शन की प्रेस करके F4 प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये पर्टिकुलर टेबल लॉक हो जाए, एंड देन कॉमा, मुझे वैल्यू चाहिए जो कॉलम सी में है, राइट। तो मैं 3 प्रेस करूँगा एंड देन 0 पे प्रेस। यहाँ पे दोस्तों आपको कंट्रोल एंटर पे क्लिक करना है ताकि आपका कर्सर वहीं पे रहे, एंड देन कॉपी पे क्लिक करो, पोस्ट दैट, क्लिक ऑन द लेफ्ट एरो की एंड देन कंट्रोल डाउन, ओके, एंड देन राइट एरो की। यहाँ पे प्लेस करना है दोस्तों आपको कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की एंड देन कंट्रोल वी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रेस करने के बाद आपको कंट्रोल सी देना है अगेन, कंट्रोल अल्ट वी, जिससे आप VLOOKUP वहां से जो फंक्शन था आपका हटा सको, एंड देन ओके पे क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। आपका मैक्रो रेडी हो गया, अभी मुझे टेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ले रहा हूँ। वैल्यूज लेने के बाद में यहाँ पे मैक्रोस, जो टीपी मैक्रो है मेरा, यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे वैल्यू फेच कर रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। एंड दोस्तों आपको मुझे एक बात पता नहीं है, अगर आप सेव कर रहे हो फाइल को तो मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में उसको सेव करना है हमें, मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।